अने काबुल जैसे हिट सीरियल में लीड रोल प्ले करने वाली तनिषा शर्मा आज इस दुनिया में नहीं है। तनिषा ने शूटिंग के दौरान 24 दिसंबर 2022 को अपने ही सेट पर फांसी लगाकर जान दे दी थी। इस मामले में मुख्य आरोपी और इस शो के लीड एक्टर सीजान खान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और वो अभी भी जेल में ही है। इसके बाद इस शो के मेकर्स ने सीजान की जगह अभिषेक निगम को कुछ दिन पहले ही कास्ट कर लिया था, लेकिन उन्होंने तनिषा की जगह किसी दूसरे एक्टर को कास्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से शो की शूटिंग नहीं हो सकती। इसलिए अब शो के मेकर्स ने तनिषा का रोल प्ले करने के लिए एक एक्टर को कास्ट कर लिया है। ये एक्टर मनोल है, जो अलीबाबा शो की नई मरियम बनने जा रही हैं। आपको बता दें कि मनोल ने अलग अलग चैनलों में 4 से 5 शो किए हैं। इसमें उनका आखिरी प्रोजेक्ट ब्रिज के गोपाल शो था और इस शो में उन्होंने राधा की भूमिका निभाई थी और यह दंगल टीवी पर आया करता था। इसमें मनोल को राधा के किरदार में लोगों ने खूब पसंद किया था और इस शो को भरपूर प्यार भी मिला था। इसके अलावा एक थी रानी एक था रावण सीरियल में रानी का किरदार निभा चुकी हैं, लेकिन उनको रातों ही रात रिप्लेस कर दिया गया। तभी ऐसी खबर आई थी कि मेकर्स कहानी में नया ट्विस्ट लाने वाले हैं और उनको किरदार के हिसाब से कम ग्लैमरस और कम सेशंस माना गया है। इस पर एक्टर ने एक तगड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि मैं मुंबई की लड़की हूँ और मॉडर्न ख्यालात के साथ पली बढ़ी हूँ। मुझे हैरानी हो रही है कि क्या कम ग्लैमरस होना इतना ज़रूरी है? क्या किसी को कम ग्लैमरस होने के कारण इस तरह रिप्लेस किया जा सकता है? इसके अलावा इन्होंने तेनाली रामा शो में भी काम किया है। इन्होंने इस सीरियल में राजकुमारी आम्रपाली का किरदार निभाया था। खबरों के मुताबिक जब मनोल को मरियम का किरदार निभाने के लिए चुना गया तो उन्होंने कहा कि शो में मरियम का किरदार एक बड़ी जिम्मेदारी है और अब मनोल की तुलना तनिषा शर्मा से होगी क्योंकि वो उन्हें रिप्लेस कर रही हैं। तब उनसे इस शो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ रिप्लेस शब्द का इस्तेमाल करना सही नहीं होगा और मैं तनिषा की जगह नहीं ले रही हूँ। मैं ये कर भी नहीं सकती, मैं तो बस मरियम के किरदार को एक नए विजन के साथ ला रही हूँ। मैं कभी भी तनिषा की जगह नहीं ले सकती। आगे कहती हैं कि मुझे इस शो में चुनने के लिए मैं सच में बहुत आभारी हूँ। इस शो का हिस्सा बनना एक शानदार एहसास है। साथ ही ये भी कहा कि लीड रोल के तौर पर यह मेरा 4th शो है, इसलिए मुझे कोई घबराहट नहीं हो रही है। इसके बजाय मैं शो का हिस्सा बनने के लिए सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। उन्होंने तनिषा की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने शो में जो काम किया है वह अद्भुत है और मुझे उम्मीद है कि लोग मुझे इस किरदार में पसंद करेंगे और मुझ पर भी उसी प्यार की बौछार करेंगे जो उन्होंने पहले की थी।